नमस्कार जी, आज जानेंगे वीडियो में कजरी तीज के बारे में। इसे सातुड़ी तीज या सतुआ तीज अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह व्रत कुंवारी लड़की करती है तो मनचाहा प्रेम मिलता है, सुहागिन महिला करती है तो पति बच्चों की लंबी आयु संतान का अद्भुत वरदान इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत सरल है परंतु इसके लाभ अनगिनत कहे गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सभी कार्य से निवृत्त होकर नीम वृक्ष का विधान है पूजा करने का, या नीम वृक्ष की डाल को घर पर एक अच्छे साफ सुथरे स्थान पर एक छोटे से तालाब के स्वरूप में बनाकर उसमें रोपित किया जाता है। उसमें कच्चा दूध और जल भरकर भगवान को भोग लगाया जाता है। दीपक लगाकर 16 श्रृंगार की सामग्री इत्यादि समर्पित की जाती है नीमड़ी माता को। हालांकि अलग अलग क्षेत्र परिवार रीति के अनुसार यह चीज बदलती है। इसकी पूजा बहुत साधारण सरल होती है जो कि अपने आप में बहुत विशेष फल देने वाली होती है। व्रत का संकल्प लेकर कथा सुनकर व्रत के नियमों का पालन किया जाता है और शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर अपने व्रत को खोला जाता है। इस दिन एक विशेष विधान होता है सत्तू के भोग प्रसाद का। आप सभी सत्तू के लड्डू बना सकते हैं। सत्तू का कोई भी पकवान बनाकर नीमड़ी माता को भोग लगाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा दान किया जाता है। इस बार तो सत्तू के दान की बहुत अधिक महत्वता है जो कि अपने आप में गुरुवार का दिन होने के कारण श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति में सहायक है। इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा सत्तू की वस्तुओं का विशेष तौर पर भगवान को भोग लगाकर मंदिर प्रांगण में दान करें। सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार की सामग्रियों में से कुछ वस्तु के साथ सत्तू के लड्डू जरूर से दान करने चाहिए। कुंवारी लड़की और सुहागिन महिला भी इन कार्यों को करती है तो निश्चित रूप से फलों की प्राप्ति होती है। 2024 में कब है कजरी तीज यह जान लेते हैं। जैसे कि भाद्रपद माह की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। उदिया तिथि के अनुसार इस वर्ष 2024 में 22 अगस्त दिन गुरुवार को अद्भुत संयोग के साथ यह व्रत किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 21 अगस्त 2024 की शाम को 5:06 से तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी और तृतीया तिथि का समापन 22 अगस्त 2024 गुरुवार को दोपहर में 1:46 में होगा। ऐसे में जो उदिया तिथि होती है और इस तीज व्रत को करने के नियम होते हैं उसके आधार पर जो है यह व्रत 22 अगस्त दिन गुरुवार के दिन ही किया जाएगा। साथ ही इस दिन जो है विशेष तौर पर जो चंद्रोदय का समय होगा 22 अगस्त को वह रात्रि 9:04 से होगा। इसके बाद ही आप अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारण कीजिएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। सुबह पूजा का जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वह 5:54 के आसपास बन रहा है। यह शुरू होता हुआ 7:32 के आसपास होगा। 5:54 से 7:32 तक जो है सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 6:53 से रात्रि 8:16 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर इन दोनों समयों में आप पूजा कर सकती हैं, सुबह और शाम के शुभ मुहूर्त में। हालांकि परिवार के अनुसार कई क्षेत्रों में अलग अलग समय पूजा की जाती है, उस अनुसार आप पूजा आराधना व्रत दान पुण्य इत्यादि कर सकते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।